नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव मॉर्निंग एडिशन और आज शुरुआत बाजार की। इनफैक्ट अगर 20 मिनट्स में देखेंगे तो एक पुल बैक जरूर दिखेगा आपको, लेकिन प्रेशियस मेटल्स और क्रूड दोनों पे ही नेगेटिव अप्रोच है ट्रेडर्स की। आज फटाफट से अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद आज की बंपर कॉल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूं प्रेशियस मेटल्स की, सोने की कीमतें फ्लैट हैं, 28,000 के लेवल के ऊपर निकलने को तैयार नहीं है इस समय मार्केट। लेकिन आज के दिन प्रेशियस मेटल्स पे एक रेंज बाउंड सेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट अब तक निचले स्तरों पर यहाँ पर एक फ्लैट ट्रेड ही होता हुआ नजर आया। और चांदी जो है वो लगभग आधे फीसदी के आसपास की गिरावट इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी पे देखने को मिल रही है। बताएंगे आपको कौन सी कॉमोडिटीज है जो बाजार पे आउट परफॉर्म कर सकती हैं और जहाँ पर रिटर्न्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मिलने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन आज क्योंकि एक रेंज बाउंड सेशन प्रेशियस मेटल्स पे आता हुआ नजर आया और मेटल्स कॉल निचले स्तरों से कुछ खरीदारी साफ तौर पर इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। बम्पर कॉल्स आज के सत्र में, कौन सी बम्पर कॉल्स आपके रडार पर रहना चाहिए, उसमें नेचुरल गैस पहला सौदा है जिसमें बिकवाली करने की सलाह है ट्रस्ट लाइन की। 246 के लेवल पे बेचें आप, 249.1 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 241 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बम्पर कॉल आज के लिए वो है जीरा बेचने की राय, 17,700 के लेवल बेचें, 17,950 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, 17,200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि हायर लेवल्स पे बेचने की सलाह है। इसके अलावा जो तीसरी बम्पर कॉल है वो है क्रूड, यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह है कोटक कॉमोडिटीज की, 3,320 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं और 3,442 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। थोड़ा ऊपर 3,400 के आसपास अगर मिलता हो तो यहाँ पर आपको बेचने की सलाह दी जा रही है कोटक कॉमोडिटीज की ओर से। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई है, उसमें मैं आपको अपडेट दे दूं, उसके बाद आज के बाजार का हाल आपको बताऊंगा। और वो है कि जो नोटबंदी का फैसला आया था 8 नवंबर को, 8 और 9 नवंबर को जो गोल्ड बिक्री है उसके आंकड़े आए हैं और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि 5,000 करोड़ का सोना मात्र 8 और 9 नवंबर को बिका है, ये एक आम एवरेज से बहुत ऊपर है। और कई शहरों में ज्वेलर्स में देर रात तक दुकानें खोली गई थी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या ये गैर कानूनी तरीके से बेचा गया है, क्योंकि IBJ की गैर कानूनी तरीके से बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग है। 15 टन के सोने के गहने और गोल्ड बार बेचे गए, सिर्फ 8 और 9 नवंबर का डेटा है ये। 8 नवंबर की रात 1,000 बड़े ज्वेलर्स ने पुरानी करेंसी में बिक्री की, सरकार ने देर रात तक दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, पर यह एक्सटेंडेड टाइम तक बिक्री हुई। IBJ ने करीब 2,500 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं आपको बता दें, और अकेले दिल्ली यूपी पंजाब में करीब 2,500 करोड़ रुपए के सोने की बिक्री की खबर आई है 8 और 9 नवंबर को, यानी कि नोटबंदी के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद। मेरे साथ इस समय सुरेंद्र मेहता साहब जुड़े हैं, सेक्रेटरी IBJ के। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। और ये जो आंकड़ा बता रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए की बिक्री हो गई 8 और 9 नवंबर के बीच, क्या ये आंकड़ा ठीक है, आपका डेटा क्या कह रहा है? देखिए, IBJ के पास में ऑल ओवर इंडिया से डायरेक्टर मनोनीत किए हुए हैं, तो हमने एक सभी डायरेक्टरों से बात करके एक एस्टिमेट लगाया है कि लगभग इतना सोने का व्यापार उस दिन रात को हुआ होगा, तो उस बेसिस पे ये डेटा हमने तैयार किया है। अब इसमें से कितना लीगली सेल किया हुआ है और कितना मनी चेंजर के तरीके से सेल किया हुआ है वो एक सवाल सबके मन में उठता है, लेकिन ये जो फिगर्स है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट फिगर्स हैं। 5,000 करोड़ रुपए की फिगर, आमतौर पे ही बताएं एक महीने में औसत बिक्री कितनी होती है और उसके हिसाब से दो दिन की बिक्री कितनी मानी जाए सर? सर, एक महीने में लगभग औसत बिक्री 75 टन सोने की होती है, और 75 टन सोने की जगह पे ये एक ही दिन में लगभग 15 टन सोना बिक गया था। अच्छा, ये ऐसी क्या हड़बड़ी हो गई थी? माना नोटबंदी तो सरकार ने अनाउंस कर दी थी, लेकिन ये पुराने नोटों से एकदम से सोना खरीदने की होड़ क्यों मच गई? क्या ये ब्लैक मनी छुपाने के लिए तो नहीं यूज किया गया? ये बिल्कुल, IBJ ने सरकार को भी कहा है कि ये जो कुछ ज्वेलर्स थे जो ज्यादा करके अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, वो रातों रात उन्होंने मनी चेंजर बनने की कोशिश की है, और उन मनी चेंजर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और IBJ ने इस बारे में सरकार को भी पत्र लिखा है। अच्छा, तो क्या कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही बहुत बात हो चुकी है। देखिए, ज्वेलर्स ही नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले खबर ये भी थी कि चांदनी चौक इलाके में कपड़ा व्यापारियों पर भी छापेमारी हुई है, तो जिन्होंने भी गैरकानूनी तरीके का इस्तेमाल किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, अभी तक आपने क्या कुछ स्टेप्स उठाए और क्या सरकार से मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हमने सरकार से कहा है कि इन ज्वेलरों के खिलाफ जो रातों रात मनी चेंजर बन गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद में एक्साइज डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कई ज्वेलरों को नोटिस इश्यू किए हैं,
अब ये भी समझ में, सरकार से ये भी समझ में आ रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है और जो बड़े कैश डिपॉजिट ज्वेलर्स द्वारा हुए हैं उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। तो कार्रवाई जरूर होगी क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो सरकार की डीमोनेटाइजेशन नीति के खिलाफ था और आईबीजे हमेशा से सरकार की डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी के साथ रहा है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि गोल्ड को सरकार ने डीमेरिट गुड में कैटेगराइज किया है और ये आईबीजे इसको पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको मेरिट गुड की तरफ ट्रांसफर किया जाए। हम लोग लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पेपर गोल्ड के ऊपर भी इसलिए जोर दे रहे हैं ताकि इस देश में इस सोने का इंपोर्ट कम हो और इन्वेस्टमेंट डिमांड धीरे धीरे खत्म हो और ज्वेलरी की डिमांड रहे जो कि कंज्यूमर डिमांड है, जो कि कंजम्पशन डिमांड है। अच्छा, पर सर ये इस तरह से कोई भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने के आईबीजे हम, चलिए ये सुरेंद्र जी, ये तो बात हुई 8 और 9 नवंबर की जब ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई थी, लेकिन अब स्थिति कैसी है ये बताएं। देश भर में अब सोने का व्यापार कैसा हो रहा है, ज्वेलर्स की स्थिति कैसी है? और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा था तो उसमें कुछ मांग में इजाफा हुआ या फिर सीरियस डेंट पड़ा इंडस्ट्री? देखिए, हमें ये बात बिल्कुल समझनी होगी कि जब ये जिस दिन 8 तारीख को डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था तो सरकार ने 50 दिन का वक्त मांगा था और ये इस देश के सभी व्यापारियों को ये जानना होगा कि सरकार को वक्त देना पड़ेगा। सरकार फेक करेंसी, टेररिज्म के खिलाफ और ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में सभी व्यापारियों को सरकार का साथ देना होगा और उसके लिए यदि व्यापार उसी दिन कह दिया गया था कि थोड़ी सी तकलीफें आएगी, तकलीफें जरूर है, ज्वेलर्स को भी तकलीफ है, ज्वेलरी तो ऐसे भी लग्जरी सेगमेंट है, सबसे पहले अफेक्ट होगा और सबसे लास्ट में रिकवर होगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जैसे ही क्रॉप तैयार होगा 14 जनवरी के बाद, संक्रांत के बाद में फसल जैसे ही तैयार होगी तो वापस ज्वेलरी की डिमांड धीरे धीरे पिकअप होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव जो टॉपिक है उस पर बात करने के लिए। तो आंकड़ा कहता है कि 5,000 करोड़ रुपए का सोना जो है वो नोटबंदी जिस दिन अनाउंस हुई थी 8 और 9 तारीख को उस दिन बिका और ये औसत से बहुत ऊपर की बिक्री है। तो कहीं ना कहीं एकदम से होड़ लग गई, हड़बड़ी थी और ज़्यादातर जो है ज्वेलर्स की दुकानें खुली रही देर रात तक और उसके बाद लोगों ने परचेज जो है वो एकदम से बढ़ानी शुरू कर दी सोने पे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ विशिष्ट ट्रेड्स भी हों और उसकी जो जांच पड़ताल जो है वो आईबीजे ने सरकार को करने की मांग की है। लेकिन अब फटाफट से मार्केट्स का रुख करते हैं, आज कमोडिटी मार्केट में कैसा ट्रेड हो रहा है। बेस मेटल जैसे मैंने कहा निचले सुरु से कुछ पुल बैक साफ तौर पर आज के सत्र में इमर्ज होता हुआ नजर आया था। कॉपर अब माइल्डली पॉजिटिव है, जिंक में 0.5% के आसपास के गेंस है और निकल में भी हरे निशान में कामकाज हो रहा है। कॉपर का इनफैक्ट ये फ्लैट रेट तो है लेकिन मैं ये बता दूं कि एक महीने में जो भाव है वो 25% के आसपास का गेन जो है वो कॉपर पे देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। फिलहाल 395-55 के लेवल पे इसमें कामकाज हो रहा है। फयाज उदानी साहब मेरे साथ जुड़े हैं, राजीव कपूर जी मेरे साथ जुड़े हैं, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। सबसे पहले राजीव जी आप बताएं, ये जो हम बात कर रहे थे आज गोल्ड पे, अभी इन्फॉर्मेशन तो यह 5,000 करोड़ का सोना जो बिक गया 8 और 9 तारीख को, लेकिन अभी किसी को अगर ट्रेड करना हो सोने पे तो क्या पोजीशन बना सकते हैं आज के लिए? देखो रजत, गोल्ड में अगर हम नोटिस कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से बहुत ही एक छोटे दायरे में गोल्ड फंस के रह गया है। थोड़ा निचले स्तर के आसपास है, 27,800 पर बाइंग किया जा सकता है, 27,700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बट बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं लगती है। 28,000-28,100 तक की एक मूवमेंट आ सकती है, तो दायरा यही है 28,200 अपर साइड, 27,700 नीचे की तरफ। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था के वो तो अच्छे आ रहे हैं जिसके कारण गोल्ड दबाव में है और दूसरी ओर उनका स्टॉक मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो इसमें कंट्रेरियन प्ले भी हो सकता है। जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी, तब भी थोड़ा गोल्ड में बाइंग आता है फॉर अ हेज अपील, आप पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए होता है ये, तो हो सकता है उस तरह की कोई बाइंग इमर्ज होती हुई दिखे गोल्ड में, वो एक पुल बैक रैली दिखाए इसमें, बट बहुत बड़ी रैली दिखती नहीं है इसमें। फिलहाल निचले स्तर पे छोटे स्टॉप लॉस से बाइंग करें, फिलहाल 28,200-300 के ऊपर सस्टेन किया जी, तब ये असर्टेन होगा कि ये रैली कंटिन्यू कर सकती है। ECB की एसेट परचेज प्रोग्राम पे आज बैठक है, वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। ऊपर से क्रेडिट सूज की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने सोने का अनुमान जो उसको घटा दिया, 2017 में सोने का भाव औसत भाव वो $1,338 प्रति औंस देखते हैं, पहले बैंक का अनुमान था कि $1,438 प्रति औंस जो है वो सोने का औसत भाव रहेगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक कटौती की गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो सोने पे इस समय नज़र इस समय इम्पैक्ट डाल रहे हैं।